एशियन पैसिफिक यूथ गेम्स यूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुजानपुर निवासी महेश इंद्र सैनी का सुजानपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता निशा प्रभा के साथ लकी सरोज की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे हेडलाइंस और आज एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। एक युवा चेहरा जिसने सुजानपुर का नाम दुनिया के नक्शे पर अंकित किया है और गर्व का मौका दिया है सुजानपुर वासियों को। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आपसे सीधे मिलवाने ले चलती हूँ। महेश इंद्र सैनी इस वक्त हमारे साथ है, सुजानपुर वासी हैं और सुजानपुर के इस लाल ने रूस में हुई यूथ पैसिफिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूडो में 60 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और यूथ पैसिफिक गेम्स उसमें आपने जूडो में गोल्ड मेडल जीता है। कैसी अनुभूति पहले पूछना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है मैम यहाँ पे आके, और यहाँ पे जब उन्होंने स्वागत किया उससे बहुत बहुत खुशी हुई। तो सुजानपुर में तो आपको हाथों हाथ लिया गया जब आप वापस आए हैं, तो जब गोल्ड मेडल की अनाउंसमेंट वहाँ पर हुई थी, राष्ट्रगान वहाँ पर चल रहा था, किस तरह की अनुभूति थी, क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त? हम तब बहुत बहुत खुशी हुई महसूस, जब राष्ट्रगान चला तो आंखों में आंसू से आए थोड़े से, बहुत दिल में बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री मोदी आपसे मिलने पहुँचे थे जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, तो क्या कुछ मंत्र वो देकर गए थे आपको? मैम उन्होंने ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेज दी थी हमें और कहा था कि जीत के आना, यहाँ से गोल्ड लेके जाना है। बहुत बढ़िया लगा, उन्होंने हमें बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाया था। अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई है, क्योंकि बेहद युवा हैं आप, 15 साल की आपकी उम्र है और इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा आपने कर दिखाया है, स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूल पहले तो मैम सिक्स तक मैं यहाँ पे कुछ सुजानपुर में पढ़ा था, SMS जी राजपुर पुलिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो उसके बाद मैं गुरदासपुर चला गया जहाँ पे जूडो सेंटर है, शहीद भगत सिंह जूडो सेंटर, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और श्रीमती धान देवी DA पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहाँ पे उसके बाद सिक्स के बाद मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो जूडो और कराटे दो अलग अलग फॉर्म है, लेकिन दर्शकों को शायद पता नहीं होगा, क्या बताएंगे जूडो और कराटे, क्या फ़र्क क्या होता है दोनों में? जूडो और मैम कराटे दोनों अलग चीज़ है। कराटे में होता है किसी को मारने के लिए, किसी के चोट लगाने के लिए, पर जूडो जो है वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए है मैम। सेल्फ डिफेंस के लिए, और बहुत ज़रूरी है आत्म जो रक्षा है वो, उसकी तकनीक सीखना बहुत ज़रूरी है और उसमें आपने स्वर्ण पदक देश को दिया है। क्या तैयारियाँ आप और कर रहे हैं और टारगेट क्या रहेगा आगे? मैम तैयारी चल रही है, कोच साहब साथ में प्रैक्टिस करा रहे हैं। आगे मैम तैयारी है मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाने की, ओलंपिक में गोल्ड लाने के लिए। ओलंपिक का सपना आप देख रहे हैं और तैयारी क्या कर रहे हैं उसके मुताबिक? यस मैम, कोच साहब करा रहे हैं अभी प्रैक्टिस हमें। प्रेरणा कौन रहा इस जर्नी में, जो आपकी अभी तक जो जर्नी रही है, इससे पहले क्या इंटरनेशनल इवेंट कोई अटेंड किया था? नहीं मैम, इससे पहले नहीं गया था, ये तो पहला इवेंट और गोल्ड अपने नाम कर लिया। यस मैम, बहुत बड़ी उपलब्धि। और प्रेरणा कौन रहा है इस पूरी जर्नी के दौरान? मेरा ब्रदर मैम भास्करनाथ सैनी जी, गुरदासपुर मुझे वही लेके गए थे, उन्होंने मेरी जूडो स्टार्ट करवाई थी वहाँ पे, तो वही थे मैम। तो कभी कभी पेरेंट्स ने दबाव नहीं डाला कि पढ़ ले पहले, गेम्स बाद में देखेंगे? नहीं नहीं मैम, कभी घर पेरेंट्स ने कहा मैम पूरा स्पोर्ट की। जब आप जीत कर आए हैं तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या कैसे उन्होंने स्वागत किया मैम? वो पापा बाबा भैया सब मम्मा सब बहुत खुश थे मैम, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ओलंपिक का आप सपना देख रहे हैं और उसके लिए आप कह रहे हैं कि तैयारी भी करेंगे, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ मदद आपको अभी तक मिल पाई है, क्या किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट हो पाई है जो प्राइज मनी की या कोई बात हुई? नहीं मैम, अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई प्राइज मनी की कुछ नहीं हुआ अभी अनाउंसमेंट। तो जो खर्च आपका चला रहे हैं कोचिंग में, जो खर्चा आ रहा है, क्या आपकी फैमिली उठा रही है? मैम पहले तो मैं हम जो फैमिली उठाई सब सारा खर्चा, अभी जो भी जब तक अब तक खर्चा हुआ है वो सारे फैमिली ने उठाया। फिर मैंने अभी NIS के ट्रायल दिए पटियाला, उसमें मैम मेरी सिलेक्शन हो गई, अभी मैं पटियाला प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ी। तो आपको सरकार की तरफ से मदद मिल रही है अभी मैम? हाँ जी मैम, वहाँ पे सही है, गवर्नमेंट सही है, वहीं से हमें डाइट मिलती है। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या इससे पहले आपके परिवार में या रिश्तेदारी में कोई है ऐसा जो इस गेम में रहा हो या खेल से, स्पोर्ट्स से, किसी भी तरह से जुड़ा हो?
यस मैम, हमारे ब्रदर, मेरे ब्रदर है वो भी जुडो ही करते हैं और वही मेरी इंस्पिरेशन रही है मैम। उन्होंने मुझे जुडो में सिखाया मैम, कोच साहब के साथ साथ उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट किया है। जसलीन सिंह सैनी वो खुद इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है मैम 2 टाइम, और अभी भी वो खेल रहे हैं। अभी उनका गोल्ड आया इंटरनेशनल में, फिर एक बार गोल्ड आया उनका, तो अभी भी वो ओलंपिक की तैयारियाँ उनकी पूरी, उनके पॉइंट्स हो गए हैं, बस थोड़े पॉइंट और रह गए ओलंपिक में क्वालिफाई के लिए। वो उन्हें वही मेरी इंस्पिरेशन। तो ये साबित करता है कि अगर सरकार मदद करे खिलाड़ियों की तो बड़े बड़े जो कीर्तिमान है वो स्थापित किए जा सकते हैं। इस 15 साल के युवा ने ये साबित कर दिया और जो वर्ल्ड यूथ एशियन गेम्स है उसमें जूडो में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये स्वर्ण पदक इनके गले में देख लिए किस तरह से चमक बिखेर रहा है, और ये हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में भी इसी तरह से चमक बिखेरेगा, क्योंकि आंखों में वो जो गर्व की अनुभूति है वो इस मेडल को देखकर आपको ज़रूर आ रही होगी। कैमरामैन लकी सरोज के साथ निशा प्रभा, टुडे हेडलाइंस के लिए।